Welcome to class 1. I hope you are fine. You have completed your all previous work. Let's start our third unit, unit number 5. Students, आपका unit number 5 page number 33 पर है. Page number 33 निकालिए. Firework produce heat and light. आतिशबाजी हरारत और रोशनी पैदा करती है. अब हम पेज टर्न करेंगे और नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 34 पर. हीट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हरारत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है. द सन गिव्स अस हीट. सूरज हमें हरारत देता है. इट ऑल्सो गिव्स अस लाइट. और ये हमें रोशनी भी देता है. अ बल्ब गिव्स आउट लाइट एंड हीट. बल्ब हमें रोशनी और हरारत देता है. फायर ऑल्सो गिव्स आउट लाइट एंड हीट. आग हमें रोशनी और हरारत देती है. अ कैंडल गिव्स आउट लाइट एंड हीट. मोमबत्ती हमें रोशनी और हरारत देती है. वी नीड, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 35. वी नीड हीट टू कीप अस वार्म इन विंटर. हमें सर्दियों में गर्म रहने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है. लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स. रोशनी हमें चीज़ों को देखने में मदद देती है. वी कैन नॉट सी इन द डार्क. हम अंधेरे में देख नहीं सकते. We need heat to cook our food. हमें खाना बनाने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है. पेज टर्न कीजिए और न्यू पेज पर आइए, पेज नंबर 36. Sunlight is made up of 7 colors. सूरज की रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है. We can see the 7 colors of light in our rainbow. हम वो 7 रंग रेम्बो में देख सकते हैं. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. लाइट कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड ग्लास. रोशनी इन चीज़ों से क्रॉस हो जाती है, हवा से, पानी से और ग्लास से. लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड. रोशनी पास नहीं की हो सकती लकड़ी से, लकड़ी के तख्ते से और रबर से. हमारे चैप्टर का नाम था हीट एंड लाइट, रोशनी और हरारत. हमें इस चैप्टर में ये बताना है कि रोशनी और हरारत हमें किन किन चीज़ों से मिलती है. सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है, बल्ब से मिलती है, आग से मिलती है और मोमबत्ती से मिलती है. और लाइट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अंधेरे में हम बग़ैर रोशनी के कुछ भी देख नहीं सकते. खाना पकाने के लिए भी रोशनी और हरारत दोनों की ज़रूरत होती है. और जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में हमें गर्म रहने के लिए भी आग की ज़रूरत होती है. तो हमने इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है कि रोशनी और हरारत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. ये आपका असाइनमेंट वर्क है जो आपने घर में करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट, शफाफियत क्या है. आंसर है इसका, लाइट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट. रोशनी जिन चीज़ों से गुजर सकती है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. वो चीज़ें शफाफ कहलाती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द सनलाइट मेड अप ऑफ. सूरज की रोशनी किस चीज़ से मिलकर बनती है. सनलाइट. आंसर है, सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स. सूरज की रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनती है. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी कलर्स ऑफ लाइट वी कैन सी इन आर रेनबो. हम कौसोकज़ा में रोशनी के कितने रंग देखते हैं. वी कैन सी द 7 कलर्स ऑफ लाइट इन आर रेनबो. हम कौसोकज़ा में रोशनी के 7 रंग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वी नीड टू कीप अस वार्म इन विंटर. हमें गर्म रहने के लिए सर्दियों में किस चीज़ की ज़रूरत होती है.
हमें गर्म रहने के लिए सर्दियों में हरारत की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ लाइट हेल्प अस, रोशनी हमारी किस तरह मदद करती है। लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स इन द डार्क, रोशनी हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वर्क की तरफ। हमारी एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी नंबर इज़ राइट द नेम ऑफ सम ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक थिंग्स, वो चीज़ें जो शफाफ होती हैं और जो गैर शफाफ होती हैं। ट्रांसपेरेंट के कॉलम में आता है ग्लास, ग्लास वाटर पानी, एयर हवा, प्लास्टिक प्लास्टिक, विंडो पैन खिड़की के शीशे को विंडो पैन कहते हैं। अब आते हैं गैर शफाफी चीज़ की तरफ, बुक किताब, वॉल दीवार, ट्री दरख्त, बॉय लड़का, ब्रिक्स ईंट। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग, इनके नाम बताइए। थिंग्स डैट गिव्स हीट एंड लाइट, वो चीज़ें जो हमें रोशनी और हरारत देती हैं। ये दो कॉलम पर बनते हैं, एक कॉलम है वो चीज़ें जो रोशनी और हरारत देती हैं और दूसरा कॉलम है वो चीज़ें जो सिर्फ रोशनी देती हैं। जो चीज़ें रोशनी और हरारत देती हैं उनमें बल्ब फायर आग, कैंडल मोमबत्ती, सन सूरज, और वो चीज़ें जो सिर्फ रोशनी देती हैं उनमें लैम्प टॉर्च, लेज़र और फ्लैशलाइट, जो हमारे मोबाइल्स की फ्लैशलाइट्स होती हैं। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ, राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स थ्रू विच, तीन चीज़ों के नाम बताइए। दो कॉलम पर बनेंगे इसमें, लाइट कैन पास जिनसे रोशनी गुजर जाती है, लाइट कैन नॉट पास जिनसे रोशनी नहीं गुजरती। अब हम चलते हैं उस कॉलम की तरफ, लाइट कैन पास, एयर हवा से रोशनी क्रॉस हो जाती है, वाटर पानी से, ग्लास शीशे से। लाइट कैन नॉट पास, रोशनी किन चीज़ों से गुजरती नहीं है, वुड लकड़ी, कार्डबोर्ड लकड़ी का तख्ता और रबर, इन चीज़ों से रोशनी गुजरती नहीं है। अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ, हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन आ रेनबो, कौसे कज़ा में कितने रंग मौजूद होते हैं, नेम देम और उनके नाम बताइए। आंसर इज़ देयर आर 7 कलर्स इन आ रेनबो, कौसे कज़ा में 7 रंग मौजूद होते हैं, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, इंडिगो गहरा जामनी, वियोलेट कासनी। अब चलते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स की तरफ, द सन गिव अस डैश एंड डैश हीट एंड लाइट, सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। दूसरी फिलिंदा ब्लैंक्स है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, लकड़ी से रोशनी गुजरती नहीं है। फिलिंदा ब्लैंक नंबर 3, वी कैन सी डैश कलर्स ऑफ लाइट इन आ रेनबो, 7 हम 7 रंग कौसे गजा में देखते हैं। वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, हम शफाफ चीज़ों से आर पार देख सकते हैं। वी नीड हीट टू कुक अवर फूड, हमें खाना बनाने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। अ टॉर्च गिव्स अस ओनली लाइट, टॉर्च हमें रोशनी फराहम करती है। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ, पहली डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंट, शफाफियत क्या है। लाइट कैन पास थ्रो सम थिंग्स, कुछ चीज़ों से रोशनी गुजर सकती है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उन्हें शफाफ चीज़ें कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है ओपेक, गैर शफाफ चीज़ें, लाइट कैन नॉट पास थ्रो सम ऑब्जेक्ट, रोशनी कुछ चीज़ों से नहीं गुजर सकती, दीज आर कॉल्ड ओपेक, उन्हें गैर शफाफ चीज़ें कहते हैं। अब आ जाते हैं वन वर्ड आंसर की तरफ, पहला वन वर्ड है व्हाट हेल्प अस टू सी इन द डार्क, वो क्या चीज़ है जो हमें अंधेरे में देखने में मदद देती है। आंसर इज लाइट, रोशनी। वन वर्ड आंसर नंबर 2 इज व्हेन डू वी सी इन आ रेनबो, हम कौसे कज़ा को कब देखते हैं, आफ्टर रेन बारिश के बाद। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डज लाइट पास थ्रू, वो कौन सी चीज़ है जिससे रोशनी गुजर सकती है, ट्रांसपेरेंट शफाफ चीज़ें,
व्हाट वी नीड टू कुक फूड, हमें खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हीट, हरारत की। व्हाट गिव्स अस हीट एंड लाइट, वो कौन सी चीज़ है जो रोशनी और हरारत दोनों देती है, द सन, सूरज। हाउ मैनी कलर्स कैन वी सी इन आ रेम्बो, हम कौसे कज़ा में कितने रंग देखते हैं, सेवन, सात रंग। अब हमारा रिटन वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम वो डायग्राम्स हैं जो आपने बनानी है। ड्रॉ टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, दो ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें बनानी हैं जो रोशनी देती हैं। आपने यहाँ टॉर्च बनानी है और मोमबत्ती बनानी है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने बनानी है। और बाकी ये सारा असाइनमेंट आप लोगों ने एक फुल स्केप पेपर पर कर अपने पास सेव कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो होमवर्क अच्छे से फुल स्केप पेपर पर कर और लर्न कर लेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।